हेलो एवरीवन, आज हमारे सामने है किया सेल्टोस टॉप वेरिएंट के अंदर जीटी लाइन प्लस। आप इसका आज वेरिएंट देख रहे हैं जो कि पेट्रोल के अंदर, अभी फिलहाल ये डिसकंटिन्यू हो गया, बट ये हमें स्पेशल एडिशन के तौर पे एक शोरूम में खड़ा हुआ था। तो आज हम देखेंगे जीटी लाइन जो हमें प्रोवाइड करती है वो क्या सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। जल्दी हमें सेल्टोस का फेसलिफ्ट वेरिएंट भी देखने के लिए मिल सकता है। अभी अनवीलिंग फेज में है, लॉन्च नहीं हुआ है, लॉन्च होगा तो हम उसकी भी वीडियो देखेंगे। कार थोड़ी गंदी है क्योंकि अभी मॉनसून का थोड़ा सा सीजन चल रहा है, उन सारी चीज़ों। इसके प्राइस की बात करें तो ये एक शोरूम आपको पड़ेगी लगभग 90 लाख 50,000 के आसपास। कुछ वगैरह डिस्काउंट भी चल रहे हैं डीलर्स पे, आपको वो सारी चीज़ें भी देखने के लिए मिलती हैं। देखें इसकी की की बात करें तो की आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। की में आपको 3 बटन्स मिलेंगे, लॉक अनलॉक और होल्ड से आप बूट अनलॉक कर सकते हैं। वैसे फिजिकल बूट आता है इसके अंदर, पीछे आपको टिपिकल किया का लोगो मिलेगा, इस वाले बटन से आप इसके फिजिकल की को निकाल सकते हैं। ऐसी आपको 2 की मिलने वाली हैं। वैसे आपने देखा होगा कि सेल्टोस के कई वेरिएंट्स में आपको होल्ड करके इंजन स्टार्ट स्टॉप करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, बट इसके अंदर नहीं आता, की ने रिमूव कर दिया है किसी वजह से। फ्रंट से देखें तो फ्रंट से पूरी कार कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलती है। सेंटर में आपको क्रोम फिनिश में अपना किया का लोगो मिलेगा, पियानो फिनिश में इसकी टाइगर नोज ग्रिल है, फ्रंट पार्किंग कैमरा है। टॉप वेरिएंट है तो आपको ज़्यादातर इसमें स्पेक सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। टॉप वेरिएंट जीटी लाइन की बेजिंग है, कनेक्टेड DRLs हैं, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको LED रिफ्लेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलेगी जो कि ऑटोमेटिक आएंगी। नीचे आपको इंडिकेटर्स हैं, यहाँ पर देखें तो यहाँ की आपको आइस क्यूब फॉग लैंप्स देखने के लिए मिलेंगी, और इसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि जीटी लाइन वेरिएंट है, टर्बो की बेजिंग की वजह से आपको इसमें रेड इंसर्ट्स भी देखने को मिलेंगे अपने स्किड प्लेट पे। बोनेट पे देखें, बोनेट पे कुछ डिज़ाइंस हैं, आपको 2 वाइपर्स मिलेंगे, और फ्रंट पे टॉप पे विंडशील्ड पे आपको कैमरा भी देखने को मिलता है ऑटोमेटिक की वजह से। इसमें हीट एकॉस्टिक विंडशील्ड भी देखने के लिए मिलती हैं चारों अपनी। और राइट साइड से देखें तो राइट साइड से पूरी कार कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। पूरी कार पे बॉडी क्लैडिंग और व्हील आर्चेस भी आएंगे। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, लोअर वेरिएंट पे सिंगल टोन अलॉय व्हील्स, और बेस मॉडल में आपको स्टील व्हील का भी ऑप्शन मिलता है। जीटी लाइन की वजह से आपको इसके रेड कैलिपर्स देखने को मिलेंगे, आगे पीछे डिस्क ब्रेक आते हैं इसके अंदर, किया का सेंटर में लोगो है, JK के टायर्स आएंगे। इसके प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको 205/60/17 के अलॉय व्हील्स आएंगे। एक्स लाइन के अंदर आपको 18 के अलॉय व्हील्स का भी ऑप्शन मिलता है। और यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल आउटसाइड मिरर्स मिलेंगे इंडिकेटर्स और कैमरे के साथ। ये खाली टॉप वेरिएंट में आते हैं, लोअर वेरिएंट में कैमरे वगैरह का ऑप्शन नहीं आता। नीचे अपनी क्रोम फिनिश है, बी पिलर आपको मैट फिनिश में मिलेगा, एक्टिव रोफेल्स हैं, सनरूफ, और पीछे आपको शार्क फिन एंटेना भी आएगा इसके अंदर। और यहाँ से फिल करेंगे आप इसमें पेट्रोल और डीजल। BS6 फेस 2 के बाद डीजल में आपको DF फिल करने का भी ऑप्शन मिलता है किया सेल्टोस के 1.5 लीटर के ऑप्शन के साथ। पीछे से देखें, पीछे से पूरी कार कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। पीछे से ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं है, बट आपको सबसे बड़ा जो चेंज देखने को मिलेगा किया कनेक्ट की, ये मैंने कई सारी वीडियोज़ में आपको मेंशन कर दिया होगा। वैसे यूवो कनेक्ट के नाम से पहले आता था। अपनी हाई मोटर स्टॉप लैंप है, वॉशर आपको इस जगह देखने को मिलेगा, रियर विंडशील्ड पर डिफॉगर, वाइपर, किया की बेजिंग, सेल्टोस की बेजिंग आपको बूट पे इस जगह देखने को मिलेगी। टॉप वेरिएंट TGDI की बेजिंग है, जीटी लाइन की बेजिंग आपको इस जगह देखने के लिए, मल्टीपल बेजिंग से पूरी कार पे। ये जो है ये क्रोम आप देख रहे हैं, ये सब एक्सेसरीज का पार्ट है। पीछे आपको सेफ्टी में 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलेंगे, फेक एग्जॉस्ट वेंट्स हैं अपने, ये जो है क्रोम सिल्वर फिनिश देखने को मिलेगी, रेड इंसर्ट्स हैं, स्किड प्लेट है। और यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको मेन एग्जॉस्ट टेल पाइप देखने के लिए मिलेगा, और ऐसा कुछ दिखता है रियर सस्पेंशन। पूरे कार के सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो पीछे आपको इसमें टॉर्सन बीम के साथ सस्पेंशन मिलेंगे, फ्रंट में आपको मैकपर्सन स्टड सस्पेंशन आएंगे। अब पीछे आई गए हैं तो पीछे एक बार बूट को ओपन कर लेते हैं। ओपन करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा, और ओपन होने के बाद कुछ बूट इस तरीके से देखने को मिलता है। लीटर्स में इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 433 लीटर की बूट स्पेस आएगी, और अगर आप रियर सीट फोल्ड कर देंगे तो आपको लगभग 900 से 1100 लीटर की बूट स्पेस देखने के लिए मिलेगी। इस वाले वेरिएंट में आपको 60-40 स्प्लिट फंक्शन देखने के लिए मिलता है, और उसी के साथ आपको ऑप्शन मिलेगा 2-स्टेप रिक्लाइन एंगल का, जो कि लगभग आपको इतना डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये हाई पोजीशन पे है, ये अपनी सबसे लोएस्ट पोजीशन पे पीछे की तरफ। तीनों के एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे। इस वाले वेरिएंट में 3-पॉइंट सीट बेल्ट्स नहीं आती हैं बीच वाले के लिए। सेल्टोस का बूट मैट है, ये कवर वगैरह एक्सेसरीज वगैरह इसके अंदर इंस्टॉल्ड हैं। स्पेयर व्हील की बात करें तो यहाँ पे आपको 205/65/16 एक साइज छोटा मिलेगा, टूल किट है। जैसे कि टॉप वेरिएंट है तो आपको इसमें बोस के म्यूजिक सिस्टम आता है, जिसमें कि आपको पीछे एक सबवूफर भी देखने को मिलेगा 8 इंचेस का। लोअर वेरिएंट में आपको नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता है। रियर पार्शियल ट्रे है, इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं अपना बूट कैरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। सेफ्टी में इमरजेंसी एग्जिट है, ग्रैब हैंडल मिलेगा, और
बस यही चीज़ें पीछे देखने को मिलेंगी। लेफ्ट साइड से देखें तो लेफ्ट साइड से पूरी कार कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। कार की लेंथ और हाइट की बात करें, लेंथ आपको 4.5 मीटर की देखने को मिलेगी और हाइट आपको 1.7 मीटर की स्टैंडर्ड आएगी सेल्टोस के सभी वेरिएंट में। क्रोम डोर अपने हैंडल्स हैं और डोर ट्रिम की बात करें तो डोर ट्रिम आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। जीटी लाइन में आपको ऑल ब्लैक ट्रिम देखने को मिलती है, वैसे आपको डुअल टोन ट्रिम देखने को मिलेगी। इस वाले ट्रिम में आपको लेदर का यूज़ भी देखने को मिलेगा और रेड स्टिचिंग है, सभी जगह रेड का यूज़ कर रखा है। पियानो फिनिश देखने को मिलेगी और ये इसके मैनुअल सन ब्लाइंड है। सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल्स मिलेंगे, सेंट्रल लॉकिंग का बटन आएगा, जैसे मैंने बता ही दिया था। बोस की बैजिंग भी देखने को मिलेगी। स्पीकर वैसे इसमें म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो आपको 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर और 1 सबवूफर का ऑप्शन मिलता है सेल्टोस के इस वाले वेरिएंट में। और इसका प्लेट की बात करें तो इसका प्लेट पे सेल्टोस की बैजिंग भी देखने को मिलेगी। और सीट की बात करें तो सीट आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, सिंगल टोन लेदर अपॉस्टी सीट्स हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ रेड स्टिचिंग के साथ। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मैंने बताई दिया, सेंटर में आपको आर्म रेस्ट भी देखने के लिए मिलेगी और अपनी लाइट कलर की इस तरीके से रूफ है, सनरूफ का भी ब्लाइंड ओपन हो रखा है। अब देख लेते हैं इसके अंदर चल के। डोर थर्ड आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। डैशबोर्ड के व्यू की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है, कई बार हमने देखा है तो डैशबोर्ड में इतनी ज़्यादा चीज़ें है भी नहीं। और इस वाले वेरिएंट में स्पेस वगैरह अपना सारी चीज़ें, वेरिएंट में स्पेस का कोई फर्क नहीं आएगा। लेंथ की बात करें तो लेंथ की कार जितनी हाई है तो आप एक बार स्पेस कीजिए, लंबाई इसकी कितनी है, एक हाथ से भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। सीट के पीछे पॉकेट्स हैं, को ड्राइवर सीट के पीछे भी पॉकेट्स देखने को मिलेगी। और सेंटर कंसोल देखें तो वो पूरा आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। टॉप वेरिएंट है तो आपको इसमें एयर प्योरीफायर भी देखने को मिलेगा, रेड कलर की स्टिचिंग है आर्मरेस्ट पे, 2 इस इवेंट्स देखने को मिलेंगे और अपना रेगुलर ए यूएसबी टाइप पोर्ट मिलेगा, चार्जिंग के लिए कुछ स्पेस है। फ्लोर हम की बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट है तो 3 पैसेंजर आप इसमें कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। ऊपर देखें तो सॉफ्ट ओपनिंग के साथ ग्रैब हैंडल है, कोट हुक मिलेगा, सेंटर में LED रीडिंग लाइट्स हैं, सेम यहाँ भी ग्रैब हैंडल आएगा बट कोट हुक नहीं मिलता। बोस की बैजिंग आपको इस जगह भी देखने को मिलेगी। अब फाइनली देख लेते हैं इसका आर्मरेस्ट एक बार। आर्मरेस्ट पे आपको 2 कप होल्डर्स मिलेंगे, सेम लेदर का यूज है आर्मरेस्ट में, बट आपको पीछे एक्सेस बूट का नहीं देखने को मिलेगा आर्मरेस्ट के अंदर। नीचे आइसोफिक्स सेट माउंटिंग्स हैं। सेफ्टी में टॉप वेरिएंट से लेकर लोअर वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग देखने को मिलेंगे, उसके बैजिंग आप यहाँ भी देख सकते हैं। एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स आएंगी इस वाले वेरिएंट में, 3 सीट बेल्ट्स हैं पीछे के लिए। और यहाँ पे पीछे कुछ भी और चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। जल्दी सेल्टोस का फेस लिफ्ट भी आएगा तो उसका भी रिव्यू हम लेके आएंगे। तो ये जो है स्टॉक क्लियरेंस आप एक तरीके से मान सकते हैं। क्रोम डोर हैंडल्स हैं और ट्रिम की बात करें तो ट्रिम बिल्कुल सेम देखने को मिलती है, कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। रेड स्टिचिंग देखने को मिलेगी, लेदर का यूज़ है, पावर विंडो का बटन मिल जाएगा, बूस्ट की बैजिंग है, स्पीकर ट्यूटर आपको इस जगह मिलेगा, सिल्वर फ्रिश पे डोर हैंडल्स हैं, सेंट्रल लॉकिंग का बटन है। और ड्राइवर सीट की बात करें तो वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। आप एक बार क्लोजअप में देखिए, सीट वेंटिलेटेड वगैरह का ऑप्शन भी मिलता है इस वाले वेरिएंट में। परफोरेटेड टाइप की सीट्स हैं, लेदर का यूज़ है, रेड स्टिचिंग है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, एडजस्टेबल ही सीट बेल्ट्स आएंगी। को ड्राइवर और ड्राइवर सीट आपको प्री टेंशन है, लो लिमिटर के साथ देखने को मिलेंगी सीट बेल्ट्स। 6 एयरबैग की वजह से आपको सीट में भी एयरबैग देखने को मिलते हैं। और डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड सभी सेल्टोस के सारे वेरिएंट्स में कॉमन डैशबोर्ड देखने को मिलता है ऑल ब्लैक फिनिश के साथ। डोर को करते हैं क्लोज। हाँ, डैशबोर्ड मिलेगा, डैशबोर्ड पे भी एयरबैग की बैजिंग आएगी। और यहाँ कई सारे आपको सेल्टोस के वेरिएंट पे डिफरेंट डिफरेंट फिनिशेस है। टॉप वेरिएंट है जैसे जीटी लाइन है तो इसको आपको ऑल ब्लैक रखने का पूरा कोशिश की गई है। सॉफ्ट टच का भी थोड़ा सा आपको फिनिश टेक्सचर देखने को मिलेगा। एसी वेंट्स हैं, सिल्वर फिनिश देखने को मिलेगी। और ग्लो बॉक्स देखें तो ग्लो बॉक्स में आपको कुछ इतना स्पेस आएगा, कार के पेपर्स वगैरह हैं बस। और यहाँ पे कोई सारी चीज़ें नहीं थी। पूरा सेंटर कंसोल देखें तो पूरा सेंटर कंसोल कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। टॉप वेरिएंट है तो टॉप वेरिएंट में आपको 10.25 इंच की टच स्क्रीन सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि सपोर्ट करेगा एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, यूएसबी ऑक्स। वायरलेस नहीं आता, वायरलेस आपको इसके लोअर वेरिएंट्स में देखने को मिलता है जिसमें 8 इंच का म्यूजिक सिस्टम आता है। बोस की बैजिंग मिलेगी, ब्लूटूथ की बैजिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगी। 2 AC वेंट, सेंटर में 1000 लाइट ऑन ऑफ करने के लिए स्विच है। नीचे मिलेगा आपको ऑटोमेटिक AC, ग्रैब हैंडल है यहाँ पे। और नीचे देखें तो ये वायरलेस चार्जर वगैरह के ऑप्शंस हैं। 12V का पावर सॉकेट है, 2 आपके USB चार्जिंग पोर्ट मिलेंगे, ये पर्टिकुलर चार्ज करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। और इस वाले से आप इसका अपना एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करेंगे। सेंटर कंसोल पियानो फिनिश में आएगा। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको इसका मिलेगा मैनुअल गेयरबॉक्स जो कि 6 स्पीड का गेयरबॉक्स है। और आपको इसमें 6 स्पीड के IMT, CVT, DCT कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस सेल्टोस में आपको एज अ ट्रांसमिशन देखने को मिलेंगे। और जैसे मैंने बताया था वेंटिलेट सीट के बटन आपको इस जगह मिलेंगे, ये को ड्राइवर के लिए है, और ड्राइवर साइड सीट के लिए आपको इस जगह मिलेगा। फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने के लिए है, 360 व्यू चेक करने का ऑप्शन है, और नॉब के थ्रू सराउंडिंग में लेदर स्टिचिंग भी है।
नीचे देखें तो यहाँ पर मिलेंगे आपको इसके दो कप होल्डर्स, मैनुअल हैंड ब्रेक है, स्लो फिनिश देखने को मिलेगी। इस वाले वेरिएंट में स्लाइडेबल आर्मरेस्ट नहीं आती क्योंकि इसमें एयर प्योरीफायर आता है। इसके लोअर वेरिएंट्स में आपको स्लाइडेबल आर्मरेस्ट का भी ऑप्शन मिलता है। स्पेस की बात करें तो स्पेस कुछ इतना देखने को मिलेगा, किया की बैजिंग है इस पे, कर देते हैं क्लोज। इसका जो फिल्टर्स वगैरह है वो आपको रेगुलरली सर्विस पे चेंजेस कराने पड़ सकते हैं। यहाँ देखें तो यहाँ पर मिलेगा आपको इसका इलेक्ट्रोकोमिक IRVM, ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ, SOS इमरजेंसी का बटन है, टो वगैरह करने के और किया कनेक्ट के ऑप्शन से, और साइड में ही आपको इसका रेन सेंसिंग वाइपर्स का ऑप्शन भी मिल जाता है जो कि सेंसर आपको यहाँ पे प्लेस करा गया है। ऊपर देखें तो सनग्लास होल्डर है, LED रीडिंग लाइट्स हैं, सनरूफ के कंट्रोल्स हैं, डोर के साथ सिंक्रोनाइज करने के ऑप्शन है। और यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलेगा, लाइट नहीं मिलेगी। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे खाली आपको टिकट होल्डर मिलता है। सनरूफ ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखती है। मैनुअल सन ब्लाइंड है तो आप इसको सिंपली हाथ से भी क्लोज कर सकते हैं, वैसे ही है, बटन से भी ऑपरेट हो जाता है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सेम आपको सॉफ्ट ओपनिंग के साथ ग्रैब हैंडल मिलेगा। ड्राइवर साइड एरिया पे ग्रैब हैंडल नहीं आता है सेल्टोस के किसी भी वेरियंट में। को ड्राइवर डोर पे यही सारी चीजें थी, इसका प्लेट मैंने आपको दिखाई दी, ये सारी इंजन नंबर और चेसिस नंबर की बैजिंग है किया की। आइए फिलहाल खोल के देख लेते हैं इसका ड्राइवर साइड डोर। खाली ड्राइवर साइड डोर पर ही आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, फिजिकल की लगाने का ऑप्शन है, ये सब एसेसरीज का पार्ट है इसके अंदर। डोर ट्रिम की बात करें तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखती है, कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। रेड स्टिचिंग देखने के लिए मिलेगी और यहाँ पे आएंगे आपको इसके चारों पावर विंडो के बटन्स, ऑटोमेटिक अप एंड ऑटोमेटिक डाउन खाली ड्राइवर साइड एरिया पे आएगा, एंटी पिंच फंक्शन के साथ, ये चाइल्ड सेफ्टी का बटन है, लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन है, ORVM को फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए, लेफ्ट राइट सेलेक्ट करने के लिए, और ये इंटरनल एडजस्टमेंट्स हैं। सेम सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल्स मिलेंगे, सेंटर लॉकिंग का बटन आएगा, बोस की वैसिंग है, स्पीकर, ये OBD पोर्ट अभी रिमूव कर रखा है, वैसे इसमें आपको 1 लीटर का बोतल होल्डर मिलता है। सेल्टोस के इसका प्लेट है। टॉप वेरिएंट में आपको 6 व्हील इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट्स मिलेंगी, नॉर्मल वेरिएंट में आपको मैनुअल एडजस्टमेंट सीट्स आती हैं। सेम लेदर अपॉस्ट्री सीट्स हैं, रेड स्टिचिंग देखने को मिलेगी और ऊपर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आएंगे। और इस वाले लीवर से आप इसका फ्यूल कैप ओपन करेंगे। एक बार सीट को कर लेते हैं थोड़ा सा पीछे, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे स्पोर्टी एल्युमिनियम पैडल्स हैं क्योंकि ये स्पोर्टी वेरिएंट की वजह से थोड़ा सा कॉस्मेटिक चीज़ें आपको एड ऑन देखने के लिए मिलेंगी। साइड में डेड पैडल देखने को मिलेगा, इसमें ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आता है। ये सब फ्यूज OBD पोर्ट है, अंदर से आप देख लीजिए, यहाँ पे आप OBD डिवाइस वगैरह प्लग इन कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिलेगा, HUD को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलेगा, इल्यूमिनेशन कम ज़्यादा करने के लिए, और ये है हेडलाइट लेवलर। ऑन ऑफ फिनिश में आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आएगा, इसमें आपको ऑटोमेटिक इंजन स्टॉप नहीं आता है। डोर को करते हैं क्लोज, सीट को कर लेते हैं अपने हाइट से एडजस्ट एक बार। स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। डी कट 4 स्पोक लेदर एप स्टेयरिंग व्हील है, रेड स्टिचिंग के साथ, GT लाइन के नीचे वैजिंग है, सेंटर में किया का लोगो है, एयरबैग की वैजिंग है। और यहाँ पे देखें तो ये सारे आपको इन्फोटेनमेंट के रिलेटेड बटन्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल और MID को कंट्रोल करने के लिए बटन्स मिलेंगे। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स के कंट्रोल्स आते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलाइट के कंट्रोल्स आते हैं। और स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो आपको टिल्ट, खाली टिल्ट फंक्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं आता इसके अंदर। और सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखें तो वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, एनालॉग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, बट बीच में आपको 8 इंच की मल्टी इन्फॉर्मेशन बड़ी वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी, नीचे वाले वेरिएंट में आपको 4 इंच की आती है। टैकोमीटर की बात करें तो 8 तक की मार्किंग है, कूल एंड टेम्परेचर नीचे मिलेगा। फीडोमीटर की बात करें तो 240 तक की मार्किंग आएगी और नीचे फ्यूल इंडिकेटर भी आएगा। एक बार आप इग्निशन को ऑन ही कर लेते हैं, सिंगल प्रेस में ही आपका इन्फोटेनमेंट हो जाएगा, कोई भी डिले नहीं है, सिंपली एक बार प्रेस करेंगे आपका ऑन हो जाएगा। एसेसरीज मोड पे आ चुका है। एक बार इसको कार को स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ी गर्मी अंदर ज़्यादा है, मैंने स्टार्ट कर लिया है। बट एक चीज़ आपको मैं इसमें पहले ही बता देता हूँ, इसमें से अभी जो है शिपिंग बोर्ड पे है तो इसका शायद आई थिंक शिपिंग बोर्ड वाला जो चीज़ है इसमें उसकी वजह से इसका जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काम नहीं कर रहा है। बट मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ, इसमें कॉस्मेटिक जो चीज़ें मिलेंगी आपको, इसमें TPMS मिल जाएगा, आपका रेंज एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन रेंज वगैरह सारी चीज़ें दिखाएगा, लीटर्स में दिखाएगा। आप इसका आउटसाइड टेम्परेचर देख सकते हैं, डिजिटल क्लॉक देखने के लिए मिलेगी, और आपको इसमें गाने कौन से प्ले हो रहे हैं, नेविगेशन वगैरह की, कंपास वगैरह, ये सब चीज़ें आपको भरपूर देखने को मिलती हैं क्योंकि टॉप वेरिएंट है। इन्फोटेनमेंट देखें तो इन्फोटेनमेंट में भी सेम सारी चीज़ें कई बार हमने देखा भी है, तो एज सच आपको इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। बट मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ इसमें क्या सारी चीज़ें मिलती हैं आपको। इसमें किया कनेक्ट, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, फोन, एयर प्योरीफायर के कंट्रोल्स, रेडियो, मीडिया, मैप, नेविगेशन, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। सेटिंग्स में आएंगे, सेटिंग्स में आपको व्हीकल्स, नेविगेशन, फोन कनेक्शन, किया कनेक्ट, एडवांस, जनरल, साउंड, डिस्प्ले, वॉइस रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। जनरल में देखेंगे तो जनरल में डेट एंड टाइम, लैंग्वेज, यूनिट, स्क्रीन सेवर, ये सारी चीज़ आपको देखने मिलती है।
ऐसे है इतनी ज्यादा, बहुत टाइम हो गया 2019 के बाद से यही सारी चीजें चली आ रही हैं सेल्टोस के, इसमें कई सारे सेफ्टी फीचर्स इन्वॉल्व किए गए, बट आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ये अपना इन्फोटेनमेंट है वो सेम ही है, कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो आपको अगर डिटेल में देखनी हो तो मैं एक वीडियो जो है डिटेल्ड वाली जो आई बटन में मेंशन कर दूंगा, आप उसको पूरा ध्यान से देखिएगा, सारे फीचर्स वगैरह सारी मेंशन है उसके अंदर। अंदर यही सारी चीजें थी। अब मैं फाइनली आपको इसका दिखा देता हूँ इंजन। गेट खोलने पे आपको इस तरीके से वार्निंग्स भी देखने को मिलती हैं। बोनट ओपन करने के लिए आपको ये वाला लीवर प्रेस करना पड़ेगा इस तरीके से, सिंगल एक ही बार पुल करने पे आपका इसका बोनट ओपन हो जाएगा। इंजन स्पेक्स की बात करें तो इस वाले वेरिएंट में आपको 1.4 लीटर का इनलाइन फोर सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलेगा। इसके पावर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 147 bhp के पावर मिलती है और 250 Nm का टॉर्क आएगा। इसमें 1.5 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड और 1.5 लीटर के डीजल इंजन का भी ऑप्शन आता है सेल्टोस के सभी वेरियंट्स में। इस पे कार पे वारंटी की बात करें तो आपको 125,000 किलोमीटर्स और 3 ईयर की वारंटी आती है स्टैंडर्ड, जिसको कि आप 5 साल तक के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं। एवरेज की बात करें तो ये वाला वेरिएंट जो स्पेशली 1.4 लीटर के टर्बो इंजन के साथ आएगा वो आपको लगभग 16 का एवरेज मिलेगा 45 लीटर के पेट्रोल टैंक से। नेचुरली एस्पिरेटेड वाला जो इंजन है वो आपको लगभग 18 की एवरेज देता है। ये मॉडल अभी डिसकंटिन्यू स्टेज में है, ये एक गाड़ी जो हमें स्पेशली शोरूम के बेसिस पर खड़ी मिली थी, इसलिए हम आपको इसका थोड़ा सा बता रहे हैं। पहले आता था, अब नहीं देखने को मिलेगा पर्टिकुलर वेरिएंट, तो आप थोड़ा कंफ्यूज ना होएं इसके चक्कर में। ये सारी चीज़ आपको इंजन स्पेक्स में मिलेंगी और ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इसमें इंसुलेशन वगैरह सारी चीज़ देखने को मिल जाते हैं। किया की वेजिंग आपको बोनट पे मिलेगी। सो कैसी लगी सेल्टोस GT लाइन के अंदर कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कुछ रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा किसी भी चीज़ का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।